दुर्ग सांसद विजय बघेल ने प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का विरोध करते हुए भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद विजय बघेल ने धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में हुई हिंसा में सरकार पर प्रदेश में रासुका लगाने को आपातकाल घोषित करना बताया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ईसाई मशीनरों से कांग्रेस सरकार साठ गांठ कर चुकी है, जिसका प्रमाण ईसाई मशीनरों से दिल्ली जाकर मुलाकात कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि वे उनके साथ खड़े हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि वर्तमान समय में भूपेश सरकार के चर्च के सामने समर्पण कर दिया है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि भूपेश सरकार रासुका लगाकर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और प्रदेश में एक बार फिर आपातकाल लगाने की साजिश रची जा रही है। इसी के लिए हम आज बैठे हैं, पत्रकार वार्ता में आप लोग को आमंत्रित किए हैं और ये जहर की तरह और कैंसर की तरह फैल रही है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ को बर्बादी के कगार में ले जाने का षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर लोभ लुभावने बातें कहकर उनको धर्मांतरित किया जा रहा है, उनको मतांतरण किया जा रहा है उनका। और ये इसीलिए आज आदिवासी समाज आक्रोशित है। और आप देखिए, नारायणपुर की घटना देखिए, सुकमा की घटना देखिए, वहां के कलेक्टर कह रहे हैं कि बचा लो, कमिश्नर कह रहे हैं, इस तरह के वाकया एक समय उग्र रूप ले लेगी तो कानून व्यवस्था बनाने में तकलीफ होगी, ये कह रहे हैं वो। उसके बावजूद भी ये सरकार मौन है और ऊपर से ये जो रासुका है उस पर और ज्यादा कड़ाई से कानून बनाकर ये लोग अभी 1 तारीख को ये लोग इसकी योजना बनाए थे और अभी 12 तारीख को इन्होंने लागू कर दिया है। ये वाकई में धर्मांतरण को प्रशय देने की बात है और धर्मांतरण करने वाले लोगों को सुरक्षा देने की बात ये लोग कह रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।